हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद जी आज हम लोग तफसील से पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन जो जो लिखा है आर्थर मिलर ने प्ले स्टार्ट करने से पहले अगर ऑथर की बायोग्राफी के बारे में पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा होगा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप ये पढ़ें ताकि आप प्ले को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें आर्थर मिलर की बायोग्राफी के ऊपर पहले ही मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई हुई है आप पहले उसे देखें उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है प्ले के योनरा की अगर बात की जाए तो ये एक ट्रेजेडी है मॉडर्न ट्रेजेडी मॉडर्न ट्रेजेडी ट्रेडिशनल ट्रेजेडी से किस तरह से मुख्तल है अरिस्टोटल के ज़माने से जो ट्रेजेडी चली आ रही है उसे ट्रेडिशनल ट्रेजेडी कहते हैं उसमें जो हीरो होता है वो एलीट क्लास से बिलोंग करता है लेकिन जो मॉडर्न ट्रेजेडी का हीरो है वो एक कॉमन मैन है उस और उसकी जो स्ट्रगल होती है अगेंस्ट सोसाइटी होती है सक्सेस के लिए सोशल लाइफ जो उसकी है उसमें उसकी स्ट्रगल्स को दिखाया जाता है ये हो गया और दोनों में ही रोल ऑफ फेट होता है दोनों ही डाउनफॉल से मिलते हैं पब्लिशिंग की बात करें तो ये ड्रामा लिखा गया था 1948 में और इसे पब्लिश कराया गया था 10 फरवरी 1949 में यह प्ले अपने इरा का यानी कि ट्वेंटी सेंचुरी का वन ऑफ द बेस्ट प्ले है और बहुत ही सक्सेसफुल प्ले रहा है इसकी सक्सेस की बात तो यहीं से जाहिर हो जाएगी कि 1949 में पब्लिश कराया गया था और उसी साल ही इस ड्रामे को पुलिटर प्राइज इन ड्रामा मिला था आर्थर मिलन ने अपनी राइटिंग्स के बारे में कहा है कि जिस तरह से डॉक्टर लोगों की ज़िंदगी बजाता है बिल्कुल वैसे ही एक अच्छा जो प्ले है जो थिएटर में प्रेजेंट किया जाता है वो भी वैसा ही रोल प्ले करता है वो किस तरह से कि इंसान जो कुछ अपनी ज़िंदगी में देखता है अगर वो थिएटर में जाएगा देखेगा प्ले को तो एक अच्छा प्ले जो है वो उसकी ज़िंदगी को अच्छी डायरेक्शन दे दे देगा दे और उसका जो मिशन है वो उसे जल्दी अचीव कर लेगा इस प्ले के बारे में बात की जाए तो ये जो स्टोरी है ये स्ट्रगल एक सक्सेस एक स्टोरी है स्ट्रगल फॉर सक्सेस एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द अमेरिकन ड्रीम अब अमेरिकन ड्रीम क्या है अमेरिकन ड्रीम इज अ प्रॉमिस दैट लाइफ कैन बी बेटर फॉर एवरी पर्सन इफ़ ही और शी हैज़ द अपॉर्चुनिटी एंड विलिंगनेस टू वर्क हार्ड रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड और सोशल क्लास अब ये जो प्रॉमिस था इसे अमेरिकन ड्रीम का नाम दिया गया है लेकिन आर्थर मिलर जो है वो ये कहता है कि ठीक है ये प्रॉमिस अमेरिकन ड्रीम जो है ये हर किसी की लाइफ पर अप्लाई नहीं होता क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती हर इंसान चाहे जितना भी हार्ड वर्किंग हो जितनी भी मेहनत कर ले उसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती एक को अगर मिल गई है और उसने अवेल कर ली है तो ठीक है उसे सक्सेसफुल लाइफ वो स्पेंड कर लेगा लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल एक जैसी नहीं आती हर इंसान की ज़िंदगी दूसरे से मुख्तलिफ होती है स्ट्रग ये स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले की अगर बात करें तो ये जो प्ले है एक ट्वेंटी फोर आवर्स की सेटिंग में दिखाया गया है जिसमें हम विली लोमन के हाउस के बारे में और उसकी फैंटेसी और उसके फ्लैश के बारे में पढ़ेंगे इस प्ले की जो सेटिंग है वो उसका घर है विली लोमन का उसका घर और उसके अलावा उसका जो ऑफिस है वो और एक रेस्टोरेंट की सेटिंग दिखाई गई है कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है विली लोमन लिंडा लोमन बिफ लोमन विली लोमन जो है ये फादर है हस्बैंड है और हेड ऑफ़ द हाउस है लिंडा लोमन इज़ अ लविंग एंड डिवोटेड वाइफ हैप्पी लोमन बिफ लोमन बैन चार्ली एंड बर्नार्ड वन बाय वन इन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले नंबर पर है विली लोमन ये एक तो आयरन है अपने नाम में ही अपने आप में ये नाम एक आयरनी है लोमन मतलब कि लो मैन इसका मतलब है कि ये जो लोमन फैमिली है ये एक इन्फीरियर और लोअर क्लास से बिलोंग करती है विली लोमन जो है एक फ़ादर है हस्बैंड है और दूसरा तो ये एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है जो कि अमेरिकन ड्रीम के ऊपर बिलीव करता है और उसी के पीछे ही पूरी ज़िंदगी भागता रहता है अपने भाई को बहन को आइडियलाइज करता रहता है और उसके अलावा ये बिफ और हैप्पी का फादर है और उनको मतलब उनका हीरो रहा है पहले उनका टीन एज में जब वो इसके बच्चे टीन एज में थे तब ये अपने बेटों का हीरो था लेकिन बाद में चेंज हो गया उसके बाद ये हमेशा ही हमें फैंटेसी में नज़र आता है एलवियंस में फ्लैशबैक्स में हमेशा ही ये अनकॉन्शियसनेस इसकी दिखाई गई है पूरे प्ले में लिंडा लोमन जो है ये लविंग और डिवोटेड वाइफ है नेव है बहुत ही और उसके अलावा एक विली की जो होप है जो उसका अमेरिकन ड्रीम है ये उसको रियलिस्टिक वे में दिखाती रहती है मतलब कि उसकी जो गलतियाँ हैं उसे नहीं तस्लीम करती बल्कि उसे ये कहती रहती है कि ठीक है कोई बात नहीं तुम ठीक हो दूसरी चीज़ें जो है वो गलत हैं मतलब कि इस ये रियलिस्टिक नहीं है ये भी एक आइडियल आइडियलिस्टिक है इमोशनली सपोर्टिव वाइफ है और ये अपने हस्बैंड के ऊपर अंधा यकीन रखती है उसके बाद है जी बिफलोमन बिफलोमन जो है ये चौंतीस साल का एक बड़ा बेटा है विली लोमन का हाई स्कूल में ये फ़ुटबॉल का स्टार रहा होता है उसके अलावा ये एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं है बल्कि सारी उम्र इसने चौंतीस साल का हो गया है पहले ये बहुत ही साल इसने ज़मीनों पर काम किया है जो भी जॉब करता है उसमें सक्सेसफुल नहीं रहता इसका करियर जो है बिल्कुल ही हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा बल्कि ये ख़ाली हाथ ही नज़र आता है पूरे स्टोर और ये इसकी फेलियर की वजह अपने बाप को ही ये तस्लीम करता है उसके बाद है जी हैप्पी लोमन अब ये नाम भी अपने आप में एक है हैप्पी वो होते तो बहुत ज़्यादा गरीब है और स्ट्रगल करते रहते हैं खुशियों के लिए लेकिन उसका नाम क्या है हैप्पी लोमन ये अपने भाई से दो साल छोटा है बत्तीस साल इसकी उम्र है और ये भी बिल्कुल बिफ, ये बिफ की तरह ही इसकी लाइफ है कोई इसका करियर नहीं है बल्कि ये एक जॉब करता है प्राइवेट और ये डिसऑनेस्ट है वुमनाइज़र भी है बैन जो है ये बैन ये विली का भाई है जो कि सत्रह साल की उम्र में अलास्का चला गया था अपने डायमंड के बिज़नेस के लिए और ये विली लोमन का आइडियल है चार्ली जो है ये इनका विली लोमन का नेबर है और ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है बर्नार्ड जो है चार्ली का बेटा है और ये भी सक्सेसफुल है और ये किसके कंट्रास्ट में दिखाया गया है बिफ लोमन के ये दोनों क्लास फेलो होते हैं बर्नार्ड जो है एक सक्सेसफुल लॉयर बन चुका है लेकिन बिफ जो है वो आज भी निकम्मा है कैरेक्टर्स हो गए उसके बाद है इसकी स्टोरी जब स्टार्ट होती है समरी के बारे में बात करें जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तब कर्टन अभी जब कर्टन राइज होता है जो सेटिंग दिखाई गई है वो एक बहुत ही छोटे एरिया के छोटे से घर की दिखाई गई है उस घर में उस घर के इर्द गिर्द जो है ना ऑरेंज कलर दिखाया गया ऑरेंज कलर किस चीज़ को जाहिर करता है पोल्यूशन को जाहिर करता है कि यानी कि बहुत ही लो लोअर क्लास के जो घर होते हैं जहाँ दिखाए गए हैं वो एक सेटिंग दिखाई गई है स्टेज पे, पे अभी कोई नहीं आया लेकिन फ्लूट जो है वो बज रहा है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है सबसे पहला कैरेक्टर जो है विली लोमन का जो स्टेज पर एंटर होता है जब वो आता है उसके हाथ में दो बैग है अब जो दो बैग हैं वो किस आइडियलाइज़ कर रहे हैं सिम्बलाइज कर रहे हैं उसके दोनों बेटों को जो उसके लिए बर्डन है और साथ साथ इस समरी के साथ साथ हम इसका एनालिसिस भी करते चले जाएंगे अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं तो आप टेक्स्ट बुक ओपन कर लें कुछ भी तो शुरू करते हैं। अब जी, जब ये एंटर होता है तो ये अनकॉन्शियसनेस में है फ्लूट तो बज रहा है लेकिन इसको सुनाई नहीं दे रहा इसके कान में आवाज़ पड़ रही है एक होता है एक्टिवली सुनना किसी चीज़ को जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो उस पर गौर करते हैं दूसरा है पैसिवली सुनना ये पैसिवली फ्लूट की आवाज़ को सुनता है यानी कि इसके कानों में जो बाँसुरी की आवाज़ है वो पड़ रही है अच्छा ये आता है जब तो किचन में चला जाता है वहाँ पर जाके जो इसके हाथों में दोनों बैग्स हैं वो रख देता है बैग उठाने की वजह से इसके हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा सूझ चुके हैं इसका मतलब है ये सारी ज़िंदगी इसकी स्ट्रगल को दिखाई गई है दूसरा ये अपन अनकॉन्शियसनेस में है और यहाँ पे इसकी जो वाइफ एलिंडा वो एंटर होती है और इससे इससे पूछती है इसका हाल अहवाल पूछती है और दूसरा कहते हैं कि तुम कहाँ गए थे तो फिर वो बताता है कि मैं उसे कुछ याद नहीं होता अब यहाँ पे इसकी दोबारा से अनकॉन्शियसनेस दिखाई गई है कि वो सारा दिन काम पे तो गया था लेकिन उसे याद नहीं वो कहाँ गया था बस वो यही कहता है कि एक जगह पर वो रुका था जहाँ उसने कॉफ़ी पी थी यहाँ पर अच्छा फिर वो कहता है कि एक दिन ना मैं हम सारे जो यानी कि अब अपनी वो वाइफ से कह रहा होता है विली लिंडा से कहता है कि एक दिन हमारी जो सारी मुश्किल हैं वो हल हो जाएंगी हमारे घर के जो कर्जे हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे हम कर्जे उतार लेंगे लेकिन यहाँ घर में रहने वाला कोई नहीं होगा अब ये जो लाइन है ये फोर शेड को ज़ाहिर कर रही है फोर्थ शेडइंग क्या होती है कि राइटर प्ले के स्टार्ट में ही या राइटिंग के स्टार्ट में स्टोरी के स्टार्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देता है जो एंड पे जिनका जो हमें रियल रियल में देखने को मिलते हैं ठीक हो गया ये फोर्थ शेडइंग है कि घर तो होगा लेकिन घर में रहने वाला कोई नहीं होगा इसका एंड में हमें प्रूफ मिल जाए

तुम उसे चेंज कर लो अच्छा ये हो गया अब यहाँ पे ये ठीक है एडमायर करती है अपने शोहर को लेकिन उसे हकीकत तो बताए ना नहीं ये उसे सपोर्ट कर रही है मजीद उसे फैंटसी में धकेल रही है अब ये हो गया अब ये दोनों जब बैठे होते हैं तब ये पूछता है विली लोमन अपनी वाइफ से पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं यानी कि अपने बेटों के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो दोनों सो रहे हैं आज तो वो दोनों बड़े ही खुश थे बिफोर हैप्पी बहुत ही खुश थे एक साथ काम किए उन्होंने और एक साथ ही उन्होंने शेव किए और बाहर घूमने गए थे तो मैं पूरे घर में शेव की खुशबू जो है वो महसूस हो रही होगी अभी ये लो बातें कर रहे होते हैं तो उसकी बहस जो है वो शुरू हो जाती है विली लोमन की विली कहता है अपनी वाइफ से कि अब इतना बड़ा हो गया है अभी उसे अपने करियर को सीरियस लेना चाहिए अपना करियर बनाना चाहिए और उसे मेहनत करनी चाहिए क्योंकि उसके पास कोई अच्छी जॉब नहीं है अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ मैं तो कार भी नहीं ड्राइव कर सकता यानी कि अब साठ साल का जो ये आदमी है ये अब इतना इसकी उम्र हो चुकी है सारी ज़िंदगी इसने मेहनत करते गुजारी है इस वजह से अब इसकी हेल्थ जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि ये मज़ीद जो है काम करे अच्छा अब ये जो काम इसका क्या होता है कि ये इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है एक सेल्स है इसे पे तो नहीं मिलती सैलरी नहीं मिलती बल्कि ये जितना भी एक दिन में सेल करता है तो उसका इसको कमीशन मिलता है उसके ऊपर ही इसकी ज़िंदगी चल रही है जब लिंडा चली जाती है तो किचन में विली अकेला बैठा होता है और फिर वह हेलोसिशन में चला जाता है दोबारा से उसकी मेमोरी आती है फ़्लैशबैक हमें नज़र आता है ठीक है बैठा तो वो किचन में है लेकिन वो सोच रहा होता है अपने बच्चों के, के जब बच्चों के बारे में जब वो छोटे थे तो किस तरह से अप, जब वो घर आता था, था तो वो बहुत खुश होते थे और अपने बाप को अपना आइडियल मानते थे, थे इस दौरान फिर उसे फ्लैशबैक में एक और फ़्लैशबैक नज़र आता है कि जब उसकी बच्चे हंस रहे होते हैं और उसकी बीवी हंस रही होती है तो उसे एक और आवाज़ हंसी की सुनाई देती है कि वो एक होटल के रूम में है और उसके साथ जो एक औरत बैठी है वो हंस रही है अब उस हंसी जब वो हंसती है बात में करते करते तो उस हंसी के साथ फिर लिंडा की हंसी की आवाज़ मिक्स हो जाती है तो वो एक जो उसने अपनी एक याद में दूसरी उसको याद आई थी वो से बाहर निकलता है और देखता है कि उसकी बीवी हंस रही होती है फिर वो गुस्सा करना शुरू हो जाता है लिंडा के ऊपर कि तुम ये क्या क्या, क्या काम करती रहती हो हर वक्त छोड़ दो इस सब को तो वो हर वक्त ही मतलब कि हेलोसिशन में रहता है यहाँ पर उसकी दोबारा से अनकॉन्शियस दिखाई गई अनकॉन्शियसनेस दिखाई गई है जो बिफ और हैप्पी जब नीचे आते हैं अपने बाप से बात करने के लिए तो फिर वो उन्हें कहता है कि वो अब ना मेहनत करेगा और कोशिश करेगा कि जो उसका बॉस है ना वो उससे बात करे ताकि उसको अच्छी जॉब मिल जाए उसे दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़े उसे न्यूयॉर्क में ही कोई जॉब मिल जाए लिंडा उसे मशवरा यही देती है कि जाओ तुम अपने बॉस से बात करो तो कहता है कि अब बॉस जो है वो खुद तो चला गया है यहाँ से लेकिन उसका जो बेटा है वो अब मेरी बात नहीं सुनता यहाँ पे क्या दिखाया गया है जनरेशन गैप दिखाया गया है कि जो उसका पहले वाला बॉस था वो तो एक प्रैक्टिकल इंसान था और उसके लिए जो एक्सपीरियंस लोग थे उनकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत थी लेकिन जो अब इसका बेटा है एक तो इसको बना बनाया कारोबार मिल गया है लिहाजा वह लोगों की उसको पहचान नहीं है और उसको लोगों की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है तो यहाँ पर जनरेशन गैप दिखाया गया है उसके अलावा ये जो पूरे ही ड्रामे में हमें स्ट्रगल दिखाई गई है ये किसके लिए है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं जो बिलीमन है वो यही चाहता है कि वो अपने बच्चों की जो सारी ख्वाहिशात है वो पूरी कर सके और दूसरा जो कर्जे हैं उसके लिए वो भी मुकम्मल उसके ख़त्म हो जाए अब जो इनका नेबर है चार्ली वो आता है विली से मिलने के लिए तो वो उसे कह देखने के लिए कि क्या वो ठीक है या नहीं तो वो कार्ड जब खेल रहे होते हैं तो जो विली है वो दोबारा से हेलोसिनेशन में चला जाता है वो सोचता है कि उसका जो भाई है काश वो भी अपने भाई के साथ अलास्का चला जाता डायमंड का बिजनेस करता तो आज वो भी एक सक्सेसफुल इंसान होता जब उसे हालत नज़र आती है चार्ली को उसके दोस्त की कि वो इतनी ख़राब है तो वो उसे ना एक जॉब ऑफर करता है तो उसको बहुत गु़स्सा आ जाता है विली को विली कहता है कि तुम समझते क्या हो खुद को तुम एक बहुत ही सक्सेसफुल सक्सेसफुल पर्सन अगर बन भी गए हो तो इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है बल्कि ये सारा कुछ जो है तुम्हें लक की वजह से मिला है अब वो उसे जॉब ऑफर कर अच्छा ठीक है ये इस लड़ाई के बावजूद भी हर हफ्ते ये विली लोमन जो है अपने अखराजा पूरे करने के लिए चार्ली से जाके ये उधार लेता है ताकि ये अपने बिल पे कर सके अच्छा इसकी जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं बिली लोबन की ये अपने बच्चों को क्या करता है प्रमोट करता रहता है कि तुम लोग ना मेहनत की तुम्हारे लेन के तो वो कहते हैं एजुकेशनल जो स्टडी है वो इतनी अहम नहीं है बल्कि इंसान की पर्सनैलिटी जो है उसका रोल सबसे ज़्यादा होता है अब यहाँ पर एक तो इसने जो अपने बच्चों का माइंड बनाया हुआ है ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि जो बिफ और बर्नाड थे चार्ली का बेटा वो क्लास फेलो होते हैं वो बिफ आता है बिफ का जो क्लास फेलो है बर्नाड वो एक बार आके कहता है जो तुम्हारा विली से कहता है तुम्हारा बेटा जो है वो फेल हो जाएगा मैथ में क्योंकि वो ना क्लासेस बंक करता है दूसरा पढ़ाई में सीरियस नहीं है भले ही वो फुटबॉल स्टार है लेकिन वो पढ़ाई पर तोजह नहीं देता अगर तुम इस, इस पर ध्यान नहीं दोगे तो ये फेल हो जाएगा तो वो विली लोमन जो है बर्नार्ड को डांट कर भगा देता है कि तुम कौन होते मेरे बेटे को समझाने वाले अपने बेटे को समझाने के बजाय वो फिर दोबारा से उन्हें कहता है कि ये जो किताबों का इल्म है ये तुम्हें कोई ज़्यादा खास तरक्की नहीं देगा लिहाजा तुम अपनी पर्सनलिटी पर फोकस करो और तुम ऐसे एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे बिना मेहनत के आज तक कोई भी सक्सेसफुल पर्सन नहीं बना लिहाजा उसका जो यहां पे अपने बच्चों को दिया गया सबक है वो ही गलत था अब जी ये जो लिंडा है वो अपने बच्चों से कहती है कि तुम्हारा बाप जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है उसने दो बार सुसाइड करने की कोशिश की है एक बार उसने कार क्रैश करने की कोशिश की है दूसरी बार जो बेसमेंट में सिलेंडर पड़ा है उसके साथ उसने अपने आप को जलाने की कोशिश की है तो लिहाजा तुम अपने बाप का हाथ बटाओ और जाओ और किसी काम की तलाश करो तो बिफ और हैप्पी जो है वो दोनों डिसाइड करते हैं जाएंगे वो और काम की तलाश करेंगे बिफ जो है वो कहता है कि मैं जाऊँगा अपने बॉस के पास और उससे कहूँगा कि मुझे जवाब दे दे अब वो क्योंकि पहले तो वो घबरा रहा होता है अपने बॉस के पास जाने के जाने से क्योंकि जब पहली बार हो गया होता है उसने जब जॉब करता है उसके पास तो चोरी की होती है अब यहाँ पे जो चोरी है वो किस चीज़ को दिखाई गई है कि उसकी जो डिज़ायर है वो फुलफिल नहीं हुई यानी कि उसके अधूरी ख्वाहिशों की वजह से उसने जाके वहाँ पे चोरी की है इसलिए वो लेकिन हैप्पी कहता है कि इतना अरसा गुजर गया है अब तुम्हारे बॉस को ये बात याद नहीं होगी लिहाजा तुम जाओ तो वो चला जाता है अब वहाँ पे वो भी चला जाता है हैप्पी जो है वो भी काम की तलाश में चला जाता है लेकिन हैप्पी उसको सैलरी तो अच्छी मिलती है क्योंकि वो एक असिस्टेंट का असिस्टेंट है जहाँ पर वो जॉब कर रहा होता है लेकिन वो एक वो मैनेजर और अपने सारे पैसे उनके ऊपर खर्च कर देता है विली भी अपने बॉस के पास जाता है ताकि उसकी मेहनतें कर सके कि वो उसे एक अच्छी जॉब दे दे लेकिन उसका जो बॉस होता है वो उसे फायर कर देता है क्योंकि ये जब करने जाता है तो कुछ ज्यादा ही मेहनत कर लेता है जिससे इसका बॉस जो है हॉवर्ड वैगनर वो चिड़ जाता है तो उसे फायर कर देता है अब ये जो तीन बाप बेटा एक रेस्टोरेंट में इन्होंने मिलने का प्लान बनाया होता है लेकिन बिल्ली के आने से पहले बिफ और हैप्पी जो है ये बात कर रहे होते हैं जिसमें बिफ उसे बताता है कि आज वो गया था अपने बॉस के पास बात करने के लिए लेकिन उसके बॉस ने उसे नौकरी तो नहीं दी तो वापसी में ये उसका पेन चुरा के आ गया यानी कि इसकी आदत जो है यह ख़त्म नहीं हुई हैप्पी जो है वो भी उसे कहता है कि हाँ मुझे भी कोई अच्छी जॉब नहीं मिली क्योंकि उसने जो सारे पैसे जो थे वो खर्च कर दिए थे औरतों के ऊपर लुटा दिए थे अब विली जो है लेकिन हैप्पी उसको कहता है कि ठीक है तुम अब, तुम ना फादर से ये ना कहना कि तुम्हें कोई जॉब नहीं मिली तो उसकी उम्मीद को ना तोड़ना तुम झूठ बोल देना जब विली आता है तो उसे बताता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है अपने बच्चों को बताता है तो बिफ जो है उसे झूठ बोलता है ठीक है कोई बात नहीं हम लोग मेहनत करेंगे हम अब अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे अब उस टाइम पर जब विली है वो फिर से हेलोसिनेशन में चला जाता है फ्लैश में जाता है जहाँ पे एक टीन एज बिफ जो है उसके पास आता है क्योंकि वो मैथ में फ़ेल हो गया होता है तो वो बॉस्टन चला जाता है अपने बाप को ये बताने के लिए कि वो फेल हो चुका है लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो उसका बाप उसे एक होटल रूम में एक औरत के साथ मिलता है उसकी सारी उम्मीदें जो हैं और सारे ख्वाब जो हैं वहीं पर टूट जाते हैं और वो भी एक बुरी कंपनी का शिकार हो जाता है यानी कि उसका बाप उसके लिए आइडियल था जब वही बुरी सहबत में उसके उसे मिला है बुरे काम करते हुए तो बिफ जो है वो भी अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और आवारा गर्दी शुरू कर देता है इस चीज़ को सोच कर बिली को दोबारा से रेगरेट फील होता है यहाँ पे अब दोबारा से रेगरेट आ गया है और जब वो वापस आता है तो वेटर उसे बताता है कि उसके जो दोनों बेटे हैं वो कॉल गर्ल्स के साथ चले गए हैं यहाँ से ये यह चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर देती है जब घर वापस आते हैं बिफ और हैप्पी तो उसकी माँ लिंडा जो है वो उन्हें कहती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आए कि तुम अपने बाप को इस उम्र में रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर आ गए हो तो बिफ जो है वो कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा अब रात आधी रात का वक्त होता है जब बिफ को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं वो जब आके बैक यार्ड में देखता है कि उसका बाप जो है वो ना बीज बो रहा होता है और अपने आप से बातें कर रहा होता है बिफ वो विली लोमन जो है वो अपने आप से बातें नहीं कर रहा होता बल्कि वो अपने भाई बहन के भूत से बातें उसके घोष से बातें कर रहा था यहाँ पर उसका नोस्ट्रॉलिया दिखाया गया है और क्योंकि जो उसकी हेलोसिनेशन है ये उसके लिए अस्केपज़म है अब ये वो उससे बातें कर रहा होता है कि वो ना काश मैं तुम्हारे साथ चला जाता मैं भी आज एक सक्सेसफुल सकसे, सक्सेसफुल पर्सन होता अब वो जो बीज बो रहा होता है क्योंकि अपने खुद से बातें कर रहा होता है तो उसका बेटा कहता है कि रात के वक्त आधी रात को तुम क्यों बीज बो रहे हो तो कहता है कि ये जो सीड्स हैं ये अब सीड्स यहाँ पे किस चीज़ को सिम्बलाइज हैं होप को वो कहते हैं कि ये जो बीज हैं जब मैं इन्हें बोऊंगा तो ये पौधे बनेंगे पौधे के बाद ये दरफ्त बन जाएंगे यानी कि वो दोबारा होप को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि कोई बात नहीं जितनी भी स्ट्रगल्स हैं उसके बावजूद ये फैमिली जो है दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी फिर दोबारा से बह उस टाइम पे वो यही सोच रहा होता है कि अगर एक दिन जब वो मर जाएगा ना उसको फिर याद आता है कि उसने अपने दोस्त चार्ली से कहा कहा था एक बार जब वो खेल रहे थे कार्ड तो वो कहता है कि जब वो मर जाएगा क्योंकि वो इतना फेमस पर्सन है विली लोमन कि उसके फ्यूनरल में ना पूरे न्यूयॉर्क से पूरे मुल्क से बहुत सारे लोग आएंगे उसके फ्यूनरल में अच्छा अब कार चलाते हुए उसे ये सारी सोचें आ रही थी उसे बच अपने बेटों का बचपन याद आ रहा होता है उसे वो औरत नज़र आ रही होती है जिसकी वजह से उसके बेटा जो है उसके नफरत करने लग गया है अब ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा मर्ज हो जाती हैं और वो स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस आ जाती है कि वो कार जो है उसकी क्रैश हो जाती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है अब जो नेक्स्ट सीन आखिरी सीन दिखाया गया है इस प्ले में वो ये है कि उसकी ग्रेव के ऊपर विली लोमन की ग्रेव के ऊपर उसके फ्यूनरल में सिर्फ उसके अपने बेटे होते हैं उसकी वाइफ होती है और बर्नार्ड और चार्ली होते हैं और कोई नहीं होता लिंडा जो है वो विली की ग्रेव के ऊपर फूल रख रही होती है और वो दोनों ठहरे होते हैं उसके बेटे आराम से ठहरे होते हैं चार्ली जो यही सोचता है कि इसके दोस्त ने पूरी ज़िंदगी जो है अमेरिकन ड्रीम के पीछे भागते भागते अपनी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर दी है और आखिर में वो ख़ुद भी जो है उसकी डेथ हो गई है अब डेथ ऑफ अ सेल्समैन तो यहाँ पर हो गया कम्प्लीट और उसके अलावा जो लिंडा जो है उसके आखिरी अल्फाज यही दिखाए गए वो हमें जो आखिरी अल्फाज सुनाई देते हैं वो ये हैं कि लिंडा कहती है कि उसके जो इंश्योरेंस के पैसे थे क्योंकि उसकी जो डेथ की उसके पीछे भी एक वजह थी विली लोमन की डेथ के पीछे भी एक वजह थी वो अपना एक्सीडेंट इसलिए करवाता है सुसाइड इसलिए करता है कि उसके जो इंश्योरेंस के पैसे ऑलमोस्ट ट्वेंटी थाउज़ेंड डॉलर जो है वो उसके बेटों को मिल जाएंगे उनका सारा कर्ज जो है वो वो भी उनका चुकता हो जाएगा और उनका घर जो है वो भी बच जाएगा तो लिंडा कहती है कि आज हमारा घर भी बच गया है हमारे सारे कर्जे जो हैं बिल भी पे हो गए हैं हमने कर्जे भी लौटा दिए हैं सबके हमारा घर भी बच गया है लेकिन अब घर में रहने वाला कोई नहीं है अब ये जो स्टार्ट में लाइंस कही गई थी विली लोमन की कि एक दिन घर तो होगा घर में रहने वाले कोई नहीं होंगे तो ये फोर शेडिंग जो है यहाँ पर आके अब वो कम्प्लीट हो जाती है अब जो हमें इसका कंक्लूजन अगर इसको कंक्लूड करें तो ये देखने को मिलता है कि इंसान की ज़िंदगी में बाजा अवत ऐसे हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब वो अपनी ख्वाहिशात को साइड के ऊपर रख कर इंसान को अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं उनकी गलतियों के बावजूद इंसान को सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं अब ये जो बुक है इसमें हार्श रियलिटी तो दिखाई गई है सोसाइटी में कि स्ट्रगलिंग फैमिलीज़ जो हैं किस तरह से वो स्ट्रगल करती हैं अब अमेरिकन ड्रीम के पीछे भागते भागते इंसान किस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो एक गुजार देता है ये हो गया इसका एंड और यहाँ पे अगर थीम्स जो हैं उसमें डेंजर्स ऑफ मॉडर्निटी जो है सबसे पहला थीम ये है डेंजर्स ऑफ मॉडर्निटी मॉडर्निज्म जो है अब इसमें उसके डेंजर्स कौन कौन से दिखाए गए हैं सबसे पहला है जो कार क्रैश का था कि लिंडा जब कहती है ना कि तुम्हारे बाप ने एक सुसाइड करने की कोशिश की है अब कार जो है ये तो इंसान के सहूलत के लिए बनाई गई है लेकिन उसका अब यहाँ पे खतरा नुकसान दिखाया गया है कि वो एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करता है ख़ुद को मारने की कोशिश करता है दूसरा जो है वो हमें प्रूफ मिलता है वो है कि जब वो किचन में जाके बेसमेंट में जाके वो स्टोव से अपने आप को जलाने की कोशिश करता है ये हो गया डेंजर्स ऑफ मॉडर्निटी पहला थीम हो गया उसके बाद है जेंडर रिले डेथ ऑफ अ सेल्समैन में हमें दो तरह की औरतें दिखाई गई एक तो लिंडा और जो दूसरी हो गई लिंडा जो है उसकी पर्सनैलिटी की भी दो हमें यहाँ पे जो सूरत है वो दिखाई गई हैं एक तो वो एडमायर करती है अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा दूसरा वो अपनी फैमिली को जोड़ कर रखना चाहती है तीसरा उसके जो मिस्टेक जो भी मतलब की परेशानियाँ स्ट्रगल्स है, हैं उस सब के बावजूद जो है वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रही है लिंडा विली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती रही है चाहे जितनी भी परेशानियाँ आई हैं उसके बावजूद लेकिन सबसे जो इसका ड्रॉबैक है कि इसकी पर्सनैलिटी का वो ये रहा है कि एक इसे अंदाज़ा था हर किसी के फेलियर का दूसरा मिस्टेक्स को भी इसने रिकॉग्नाइज़ कर लिया था तो इसको चाहिए था कि विली की जो सोच थी उसे ये दुरुस्त करे जो उसका एक गलत कॉन्सेप्ट बन गया है कि इंसान को मेहनत की नहीं वो इल की ज़रूरत नहीं है उसे एजुकेशन की जरूरत नहीं है, है बल्कि उसकी पर्सनैलिटी जो है यही सब कुछ है तो उसके बावजूद जो उसके हेलोसिनेशन थी उसे भी ये प्रमोट करती रही है कि जब वो कहता है ना विली उसे बताता है कि उसकी कार जो है वो क्रैश करते करते बची है तो ये कहती है कि हाँ वो स्टेयरिंग का कसूर होगा और दूसरा वो तो तुम्हारे ग्लासेस का कसूर होगा तो ये इसे मतलब तो कि फिर भी ये फैंटेसी में ही रखती है तो उसे रियलाइज़ नहीं करवाती रियलिटी का ये ये सामना नहीं करवाती उसे जेंडर रिलेशन हो गए इसमें उसके बाद है मैडनेस मैडनेस जो है ये इसका बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव टेक्निकल जो थीम रहा है वो यही है मैडनेस के इसमें जो विली लोमन है उसकी अनकॉन्शियसनेस और कन्फ्यूज जो पर्सपेक्टिव है उसकी पर्सनैलिटी का वो दिखाया गया है मैडनेस का यहाँ पे हमें प्रूफ जो मिलता है इसमें वो क्योंकि विली लोमन की जो हेलोसिनेशन है वो स्ट्रॉगर होती चली जाती है स्टार्ट में ठीक है अनकॉन्शियसनेस है थोड़ा सा उसके बाद उसकी हेलोसिनेशन है पूरा जब जैसे जैसे प्ले चला चलता है वैसे ही इसकी हेलोसिनेशन भी स्ट्रॉग होती चली जाती है और इसकी मैडनेस जो है आखिर में आखिरकार वो अपने मैडनेस में आकर सुसाइड कर लेता है उसके बाद है जी कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है कि उसका जो विली लमन की लाइंस रही है ना बिली इज मोस्ट कॉमन लाइन इज़ दैट बिजनेस मस्ट बी बिजनेस मस्ट बी लाइक रदर दैन मेयरली लाइक एंड हिज बिजनेस स्ट्रैटेजी इज बेस्ड इंटायरली ऑन द आइडिया ऑफ अ कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी अब यहाँ पे एक तो उसका जो इस प्ले में हमें देखने को मिलता है चार्ली इसका जो नेबर है तो वो कहता है कि चार्ली भले ही एक सक्सेसफुल बिज़नेस मैन हो लेकिन वो इतना भी मशहूर नहीं है जितना कि मैं मशहूर हूँ अब सेल्समैन ज़्यादा मशहूर होगा या फिर एक जो बिज़नेस मैन है वो फेमस होगा ये जो है कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी यहाँ पर दिखाई गई है कि उसकी अपनी एक सोच थी थिंकिंग थी जिसको लेकर ही पूरे ड्रामे में वो चलता है और नोस्टॉलोजिया और रेगुलेटर है नोस्टॉलोजिया पहले नंबर पर तो यही कि वो पूरा घोस्ट ऑफ पास्ट के हर हर वक्त ही वो हमें माजी में ही दिखाई देता है फ्लैशबैक्स होते हैं उसकी फैंटेसी है अपने भाई के भूत के साथ वो बातें करता रहता है और दूसरा हेलोसिनेट करता है ना बहन को ही हेलोसिनेट करता है और अपने बच्चों के जो फ्यूचर फ्यूचर को भी कभी, कभी वो ड्रीम करता रहता है और कभी कभी उनके टीन एज जो थी बस उसे ही वो देखता रहता है ये हो गया रेगरेट जो उसका था वो सबसे बड़ा यही यह है कि उसने सारी जिंदगी जो है अमेरिकन ड्रीम के पीछे भागते भागते गुजार दी है और दूसरे उसके बेटे भी उसे ही कसूरवार समझते हैं कि इसने हमारे बाप ने ही हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर दी है अपॉर्चुनिटी जो है वो ये सबसे बड़ा थीम यही है कि इंसान की ज़िंदगी में हर इंसान की ज़िंदगी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती ठीक है अमेरिकन ड्रीम जो था वो प्रॉमिस करता था कि आपको आपके हार्ड वर्क और बैकग्राउंड के से परे आपको एक अच्छी ज़िंदगी दी जाएगी लेकिन इंसान हर इंसान की ज़िंदगी जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होती है हर इंसान की स्ट्रगल दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं तो एक अपॉर्चुनिटी जो है इंसान को जब मिल रही होती है तो वो उसे अवेल करे अब इस ड्रामे में चार्ली जब उसे कहता है कि मैं तुम्हें अगर एक अच्छी एक अच्छी जॉब ऑफर करता है क्योंकि वो खुद एक बिजनेसमैन है तो वो कहता है कि तुम ये सेल्स मैन की नौकरी छोड़ो मैं तुम्हें अच्छी जॉब देता हूँ ताकि तुम कब तक कमीशन पर गुजारा करोगे तो वो उल्टा उसे ही गुस्सा करके भगा देता है चार्ली से ही नाराज़ होने लग जाता है तो अपॉर्चुनिटी एक बार मिलती है बार बार नहीं मिलती ठीक हो गया अपॉर्चुनिटी की बात है जी ग्रोथ यहाँ पे किसकी ग्रोथ दिखाई गई है यहाँ पे जो वो एंड में आके सीड जो है वो सो कर रहा होता है बीज बोने की तो एक होप दिखाई गई है कि जब ये पौधा बड़ा होगा दरख्त बनेगा तो वो ये कहता है कि हमारी इतनी मुश्किल के बावजूद भी हम लोग दोबारा से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे क्योंकि उसके जहन में चल रहा होता है कि जब वो सुसाइड कर लेगा उसका इंश्योरेंस का पैसा जो होगा उससे उसके बच्चे जो है एक नई जिंदगी जो है वो शुरू करेंगे ये जो तो है यहाँ पर ग्रोथ दिखाई गई है हमारा जो प्ले था वो यहीं पर एंड होता है उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी मिलते हैं अगली वीडियो में तब